हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली ब्लॉगर आद्विक मॉम। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं शहर के बीचों बीच का नज़ारा। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये रही इंदिरा मार्केट और ये रहा इंदिरा मार्केट का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा कुछ इस तरह से। और ये सामने रहा घंटाघर, और ये घंटाघर जो है बहुत ही पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है और हमेशा सही टाइम देता है ये घंटाघर। और ये देखिए शहर के बीचों बीच में बहुत ही शानदार सी मार्केट, आप इसको अंडरग्राउंड मार्केट भी कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी मार्केट, और मार्केट के बीचों बीच में पार्क। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मंडी में आते हैं तो इंदिरा मार्केट जरूर आइए घूमने के लिए। ये बहुत ही सुंदर सी मार्केट है और शहर के बीचों बीच में कुछ इस तरह से। आप भी देख लीजिए कितना सुंदर सा नज़ारा है। और ये देखिए इंदिरा मार्केट के बीचों बीच शहीद स्मारक, जिसका उद्घाटन जो है 26 जुलाई 2020 को, यानी कारगिल दिवस के दिन इसका उद्घाटन हुआ। ये जो है मंडी जिला के 65 शहीदों के सम्मान में बनाया गया शहीद स्मारक। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा कुछ इस तरह से। अभी मैंने इसको साइड से कैप्चर किया हुआ है, फिर मैं आपको इसको डिटेल में दिखाऊंगी। तो ये देखिए शहर के बीचों बीच में कुछ इस तरह से मार्केट, घंटाघर, शहीद स्मारक। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मंडी में आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर पनीर बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया और उसमें डाल दिया मेथी और साथ में जीरा, और उसको चटकने दिया। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज, और प्याज को अब हम सुनहरा होने तक पका लेंगे। और इसमें फिर ऐड करेंगे नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर, और साथ में टमाटर। तो ये देखिए मैंने टमाटर भी यहाँ पे ऐड कर लिए इसमें, और अब हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़े। तो ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी दही, और अब इसको भी पका लेंगे अच्छे से। और फिर इसमें हम डाल देंगे, मसाला हमारा पक चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे मटर, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर इसमें डाल देंगे हम साथ में पनीर, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम गैस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम जो है लो कर देंगे, और फिर इसको ढक के पकाएंगे 8-10 मिनट तक लो फ्लेम पे। तो ये देखिए 8-10 मिनट के बाद मेरा मटर पनीर कुछ इस तरह से बन के तैयार है। तो आप भी इंजॉय कर लीजिए हमारे साथ मटर पनीर की सब्ज़ी। चलिए आज आपको मिलाते हैं कान्हा जी से। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी, ये मेरा भांजा है प्रीस, कान्हा जी के गेटअप में कुछ इस तरह से।
और ये मेरा भतीजा गीरस, ये भी कान्हा जी के गेटअप में कुछ इस तरह से।